हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, क्या आपको कंप्यूटर कीबोर्ड अच्छे से यूज़ करना आता है? या आप अपना कंप्यूटर कीबोर्ड चला लेते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल और डिलीट की के इन 5 अमेजिंग यूज़ के बारे में जरूर सीखना चाहिए, जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कंट्रोल और डिलीट बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ही हमने कंट्रोल और डिलीट बटन यहाँ पर प्रेस किया तो हमारे सामने विंडो ओपन हो गई, जहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्विच यूजर का दिखाई दे रहा है, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, टास्क मैनेजर। सबसे पहला ऑप्शन हम यहाँ पर जानते हैं टास्क मैनेजर ऑप्शन के बारे में। ठीक, टास्क मैनेजर ऑप्शन का क्या काम होता है? तो कंट्रोल और डिलीट की मदद से आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप टास्क मैनेजर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब बात आती है टास्क मैनेजर का काम क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है। टास्क मैनेजर का मेनली यूज हमारा तब होता है, मान लीजिए आप सिस्टम में कोई ऐप चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वो हमारा हैंग हो जाता है, हम उसको बार बार बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हमारा बंद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं टास्क मैनेजर से उसका जो टास्क है उसको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर आने के बाद हमें किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर मैग्नीफायर है, टास्क मैनेजर ये है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक यहाँ पर करते हैं तो आप देखें यहाँ पर एंड टास्क का ऑप्शन देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो टास्क हमारा बंद हो जाएगा, विंडो हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं कंट्रोल और डिलीट की के दूसरे यूज़ की तरफ। कंट्रोल और डिलीट की का दूसरा यूज यहाँ पर होता है कि हम उसकी मदद से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए मेनली हम लोग कहाँ पर जाते हैं? कंट्रोल पैनल पर जाते हैं, वहाँ से हम लोग पासवर्ड चेंज करते हैं। एक पहले वाला तरीका यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर विंडो की प्रेस किया, यहाँ पर विंडो की प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल। जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर आए कंट्रोल पैनल पे, हमने यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ी देर में यहाँ पर आता है यूजर एंड अकाउंट ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आता है यूजर अकाउंट, यहाँ पर क्लिक किया हमने। फिर आप देखें यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट अ पासवर्ड एंड रिसेट, तो यहाँ से हम लोग पासवर्ड वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं या पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है कि हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर जाते हैं, यूजर अकाउंट पर जाते हैं, फिर हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पर आसान तरीका है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करेंगे। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करेंगे यहाँ पर चेंज पासवर्ड की विंडो मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप आसानी से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और कोई भी नया पासवर्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल और डिलीट की के तीसरे यूज की तरफ। कंट्रोल और डिलीट की का जो तीसरा यूज होता है कि हम स्टार्टअप ऐप को यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। अब स्टार्टअप ऐप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप ऐप का मतलब होता है जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो बहुत सारी ऐप हमारे ऐसे होते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हमारे क्या वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, अपना रन होना वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, हम चाहते हैं उन ऐप को हम डिसेबल कर दें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहां पर फिर से अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और डिलीट की। उसके बाद यहां पर आ जाना है आपको टास्क मैनेजर पर। टास्क मैनेजर पर आने के बाद यहां पर आप देखें एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टार्टअप का। स्टार्टअप आते हैं तो यहाँ पर जितनी भी ऐप्स हैं वो हमें सब यहां पर दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर वगैरह। हमें क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन देखें आपका आएगा, सेलेक्ट किया हमने इसको, यहाँ पर आप देखें डिसेबल का ऑप्शन आता है, तो इस पर डिसेबल कर देना है। तो हमारा क्या, ये ऐप हमारी कंप्यूटर ओपन होते ही स्टार्ट नहीं होगी, मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे तब तो स्टार्ट होगी होगी, पर जैसे हमारा सिस्टम ऑन होगा वैसे ही ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी। अब आते हैं कंट्रोल और डिलीट की के चौथे यूज़ की तरफ। कंट्रोल और डिलीट की जो चौथा यूज होता है, इससे हम परफॉर्मेंस जान सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी कि CPU कितना है, RAM कितना है, CPU RAM कैसे काम कर रहा है, कितनी परफॉर्मेंस है, वो सब हम कंट्रोल और डिलीट की मदद से जान सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल और डिलीट की, तो आप देखें यहाँ पर टास्क मैनेजर फिर से हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है परफॉर्मेंस का, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU कितना है, मेमोरी कितना है, हार्ड डिस्क, GPU, और अगर इंटरनेट वगैरह कनेक्ट है तो यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन वगैरह दिया रहेगा, जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर लगातार आपको शो करता रहेगा। तो कंट्रोल और डिलीट की का यहाँ पर चौथा यूज भी आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोल और डिलीट की मदद से हम लोग कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी जान सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल और डिलीट की का पांचवा यूज।
कंट्रोल और डिलीट किया जो लास्ट पांचवा यूज आता है कि हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। अब रिस्टार्ट ऐसे तो हमारा होता नहीं कि हम कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करें तो हमारा रिस्टार्ट हो जाए, तो विंडो हमारे सामने आ जाती। रिस्टार्ट हमारा तब होता है जब मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करें, तो विंडो इंस्टॉल करते समय आपको कंप्यूटर बार बार वहाँ पर रिस्टार्ट करना पड़ता है, भैया बायोस सेटिंग के समय भी आपको कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमारा क्या रहता है कि हमें बार बार वहाँ पर रिस्टार्ट करना है, तो हम रिस्टार्ट करने कैसे करें, तो आप कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंप्यूटर रिस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं कंट्रोल और डिलीट के पांच यूज। पहला यूज यहाँ पर होता है कि हम लोग टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर होता है कि हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तीसरा स्टार्टअप ऐप डिसेबल कर सकते हैं, चौथा यहाँ पर आता है हम रैम और सीपीयू की परफॉर्मेंस जान सकते हैं, पांचवा यूज यहाँ पर हमारा आता है कि हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा।